औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर जनरल मैथ टीचर फैसल अब्बास। डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको डिस्कस करना है। और इस एक्सरसाइज में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है an इज़ इक्वल टू ar^n-1। ये हमारे पास फार्मूला है जो कि बहुत ही इसकी बेस है, जिस फार्मूले से हम अपने आंसर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास a जो है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और हमारे पास r जो है ये कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो आर जो है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है जैसे एक्स और एक्स का स्क्वायर, तो हम सेकंड टर्म जो है एक्स का जो स्क्वायर है उसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ एक्स के साथ, तो ये हमारे पास एक्स बच जाएगा। इसी तरह ए एन जो है, ये जो एन है हमारा, ये है हमारा वो टर्म है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। ये हमारी वो टर्म है। आर हमारी क्या है, कॉमन रेशो है। ए जो है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और एन जो है ये हमारी वो टर्म है जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इस फार्मूले से हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आज जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 भी, वो भी हमने कैलकुलेट करना है। जी ये है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहता है फाइंड द 13th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 13 टर्म जो है उसको कैलकुलेट करना है, और वो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो हमारे पास ये है एक्स, और एक्स है उसके बाद 1 है, और 1 ओवर एक्स, और अप टू सो ऑन है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है वो है ए एन इज इक्वल टू ar^n-1। अगर हमने कैलकुलेट करनी है a30 अगर हमने टर्म फाइंड करनी है, तो हम n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 30। तो ये हमारी हो जाएगी a n की जगह पर 30 इज इक्वल टू a की जगह पे हमारी फर्स्ट टर्म जो कि हमारी क्या है, x है, ये x r^n-1 n हमारे पास 30, माइनस 1 करेंगे तो 29 हमारे पास बच जाए। अब देखें यहाँ पर हमारा ये जो r है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो r को कैलकुलेट करने का मैंने पहले ही फार्मूला बताया कि हम सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। सेकंड टर्म को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास दिया जाता है उसकी सेकंड टर्म को हम फर्स्ट से करते हैं डिवाइड। तो इसकी सेकंड टर्म हमारे पास 1 है, फर्स्ट टर्म x है, तो हमारा r जो होगा वो होगा 1 ओवर x। इस तरह हमारी r आ गई और ये उसने दी हुई है। n हमारा 30 आ गई, ये मैंने पहले बता दिया। a हमारी फर्स्ट टर्म x आ गई, ये भी मैंने पहले बता दी। अब देखिए हमने इसको कैलकुलेट करने का, सबसे पहले तो हमारे पास r आ गया, सारी वैल्यूज़ आ गई, सिर्फ हमने जाके इसको फार्मूले में पुट कर देना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ar^n-1। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पर ए जो होता है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, आर हमारी कॉमन रेशो होती है जिसको हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं, और n जो है ये हमारी वो टर्म जो होती है जो हमने काउंट करनी होती है या हमने कैलकुलेट करनी होती है। चले अब चलते हैं इसके नेक्स्ट, हमारे पास इसका सलूशन क्या है और किस तरह होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने पहले ही आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि a30 हमारे पास कैसे बन जाती है। ये हमारे पास ar^29 कैसे बनी, क्योंकि r^n-1 था तो n हमारे पास था 30, तो 30
माइनस वन इज इक्वल टू 29, ये हमारे पास आ गया। अब देखें हमारे पास ए जो था वो हमारे पास एक्स था, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास एक्स थी। इसको देखें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स थी, ये एक्स मल्टीप्लाई आर पावर एन माइनस वन जो था वो आर हमारे पास वन ओवर एक्स आया था और उसकी होल की पावर 29 थी। अब देखें ये जो पावर है ये एक्स की पावर है, जब ये एक्स की पावर यहाँ पर 29 आएगी, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो ये से एक कैंसिल आउट होकर यहाँ पर बच जाएगी 28 बच जाएगी, क्योंकि एक एक्स की जो पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास 28 जो है वो यहाँ पर बच जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 1 ओवर एक्स की पावर 28, और ये जो एक्स की पावर 28 है इसको एक्स के ऊपर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स की पावर 28। इस तरह ये जो है हमारा क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वो कहता है फाइंड द पीथ टर्म। पीथ टर्म हमने कैलकुलेट करनी है। पीथ टर्म बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट होगी जैसे हमने अभी किया। देखें हमारे पास फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन। तो अगर हमने पीथ फाइंड करनी है तो एन की जगह पे पी, ए पी इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म है हमारी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है एक्स है, तो ये एक्स आ जाएगा, उसके पास बाद है हमारे पास आर की पावर एन माइनस वन। आर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करके। अब देखें सेकंड टर्म है हमारे पास एक्स की पावर 3, फर्स्ट टर्म है एक्स, तो एक इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास एक्स का स्केयर बच जाएगा, तो एक्स का स्केयर जो है ये हमारे पास बच जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू भी हम इधर पुट कर देते हैं, ये देखें आर के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद है एन माइनस वन, एन है हमारा पी, आर की पावर एन माइनस वन, आर है हमारा एन है हमारा पी माइनस वन, तो पी माइनस वन ये हमारे पास बन गया पी माइनस वन, ये आ गया हमारे पास पी माइनस वन। अब देखें ये जो एक्स की पावर है 2, पावर की जो पावर होती है वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक्स की पावर 2 और फिर उसकी पावर है पी माइनस वन, तो ये जो 2 है ये पी माइनस वन के साथ होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा ये एक एक्स है और दूसरा ये जो एक्स की पावर 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास एक्स की टोटल जो हमारे पास पावर बनेगी वो बनेगी 2p माइनस 2। अब देखें ये बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, इसकी पावर 1 है, तो हमारे पास टोटल जो एक्स की पावर 2p माइनस 2 और ये प्लस वाली ये आ जाएगी, तो हमारे पास एक्स की जो पावर हो जाएगी हमारे पास 2p माइनस 1 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर कोई बात नहीं समझ आई तो फिज़िकल क्लासेज जैसे होती हैं उनमें आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो थी इस क्वेश्चन के अंदर वो था हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ए क्या है, हमें सबसे पहले तो हमारे फार्मूले का पता होना चाहिए, फार्मूले से ही हम अपनी नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले याद रखना है हमारे पास फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन, यहाँ पर ए जो होता है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, उसके बाद हमारा एन जो होता है एन ये हमारी वो नंबर ऑफ टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म होती है, और हमारे जो आर होता है ये कॉमन रेशो होती है, और इसको हम क्या करते हैं सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, तब जाके हमारे पास ये आर की वैल्यू कैलकुलेट होती है, फिर हम अपने फार्मूलाज में इसको पुट करके अपना आंसर जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह जैसे फिज़िकल क्लासेज होती हैं आप अपना क्वेश्चन लाइएगा, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।